मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के 19 गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनजीटी के निर्देश के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। ध्वस्तीकरण करने में आने वाला खर्च भी गिरासू भवनों से लिया जाएगा। मसूरी अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि सीआरआई रुड़की ने मसूरी में गिरासू भवनों की तकनीकी जाँच की थी, जिसकी रिपोर्ट पर एनजीटी ने भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए हैं। माननीय एनजीटी ने एक सोमोटो लिया था और वो केस माननीय एनजीटी में चल रहा है, जिसमें ये हुआ था कि मसूरी भू धसाव जब 2022 में हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो गिरासू बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए सीबीआरआई ने इनकी जांच करी, एमडीडी द्वारा जांच करवाएगी। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में एक सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया कि ये स्वयं हटा ले या नगर पालिका और प्रशासन इसको हटाएंगे और इस पर जो दिया जाएगा वो उनसे